हमीरपुर के अनु में चल रही इंटर कॉलेज खो खो चैंपियनशिप का समापन हो गया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि एसपी रमन कुमार मीणा ने शिरकत की। चैंपियनशिप में लगातार तीसरी बार हमीरपुर डिग्री कॉलेज ने विजेता बनकर इतिहास रचा है, जबकि कोट शेरा चौड़ा मैदान शिमला की टीम उप विजेता रही। विजेता और उप विजेता टीमों को एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर प्रिंसिपल हरदेव सिंह चंबाल भी मौजूद रहे। खो खो प्रतियोगिता में तीसरे स्थान के लिए बीबीएन कॉलेज चकमो और महाराजा लक्ष्मण सेन स्मारक कॉलेज सुंदरनगर के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें बाबा बालकनाथ राजकीय कॉलेज चकमोह ने बाजी मारी। इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर एचएस जम्बाल, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर रीटा शर्मा सहित कई स्टाफ मेंबर मौजूद रहे। एसपी रमन कुमार मीणा ने कहा कि लगातार खो खो इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में हमीरपुर ने बाजी मारी है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि छात्रों की मेहनत रंग लाई है और छात्रों को चाहिए कि खेल भावना को बनाए रखने के लिए काम करें और नशे से दूर रहें। खो खो प्रतियोगिता के लिए आज अनु कॉलेज के ग्राउंड में प्रिंसिपल जमाल साहब ने आमंत्रित किया। बच्चों से उनकी खेल भावना देख के बड़ा अच्छा लगा, जज्बा देख के अच्छा लगा। और क्योंकि ये कुछ मौके होते हैं जिसमें कि बच्चों से हम सीधा इंटरेक्ट करते हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि बच्चों ने यहाँ खेल को किसी और बाकी जैसे रैगिंग या नशा इस तरह की बुराइयों से दूर हटके और खेल को महत्व दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो खेल भावना है बच्चों में इनमें बनी रहे, आगे इसको और विकसित करें और बुराइयों से बचते हुए खेल के मैदान से बहुत सारी चीजें सीख के और वो अपने जीवन में आगे बढ़े। लगातार ये तीसरा साल है जब ये ट्रॉफी अनु कॉलेज ने जीती है, तो उनका खेल एक तरफा रहा, हालांकि दूसरी टीम के प्रयास भी सराहनीय थे, लेकिन बहुत ही अच्छा ये एक मैच रहा। वहीं प्रिंसिपल हरदीप सिंह चंबाल ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार खो खो में कॉलेज विजेता रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि कोशिश रहती है कि छात्रों को खेलों में रुचि बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाएं, ताकि नशे से दूर रहकर खिलाड़ी खेल मैदान में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। कल फिर हमारा एक और टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा जी, एथलेट मीट का, जिसमें 50 और कॉलेज जाएंगे और 500 बच्चा आएगा जी। आज एसपी साहब ने कहा कि जब हमारे बच्चे ग्राउंड में होंगे तो नशे से दूर होंगे, बुराइयों से दूर होंगे, और जब फिजिकल स्ट्रेंथ होगी तो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ भी होगी जी। तो बहुत सारे और आयोजन होते रहे, बहुत ही डॉक्टर वर्मा जी को दूंगा जो एजुकेशन प्रोफेसर हैं, साथ में जितनी भी हमारी कमिटीज फॉर्म होती है इस तरह के आयोजन करने के लिए, उनकी रात दिन की मेहनत है। एज ए टीम मैं पूरे कॉलेज को उसका श्रेय देता हूँ, और अब उससे ज़्यादा श्रेय अपने बच्चों को देता हूँ जो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के इस तरह की जो प्रदर्शन करते हैं उन्हें हम उससे हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मेरी शुभकामनाएं बच्चों के लिए भी है कि वो आराम से आगे बढ़ें और नशे से दूर रहें।